रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंसी। अब ये भी तो सवाल उठता है कि रिप्रोडक्शन कितनी बार करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितने टाइम्स रिप्रोडक्शन करेंगे। कुछ प्लांट है जो एन्यूअल है, कुछ बायएनुअल टाइप्स है। द एन्यूअल एंड बायएनुअल टाइप शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज, बट इन द पेरिएनुअल स्पीशीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस फेजेस। देखिए इसमें तीन फेजेस दिखाए हैं, वेजिटेटिव मतलब बचपने का पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड मतलब कि जब उन्होंने फ्लावर प्रोडक्शन शुरू किया, जब रिप्रोडक्शन शुरू किया, और सेनेसेंस का पीरियड मतलब कि अब बूढ़े हो चुके हैं, अब एजिंग में जा चुके, उसके बाद वो मर जाएंगे। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत क्लियरली शो करते हैं, एन्यूअल प्लांट्स, बस वो एक ही साल के लिए जिंदा रहते हैं, सीजनल होते हैं ये प्लांट्स। बायएनुअल प्लांट्स वो करीबन 2 साल का वक्त होता है उनके पास जिंदा रहने के लिए। पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो बहुत लंबे वक्त के लिए सर्वाइव करते हैं। तो जो ये छोटे छोटे वक्त के लिए जीने वाले प्लांट्स हैं, जैसे वीट देख लो आप, जैसे आप मेज देख लो, कॉर्न देख लो, इनके अंदर बहुत क्लियर कट आप देख पाओगे वेजिटेटिव फेज, उनके बचपने का पीरियड, रिप्रोडक्टिव फेज मतलब जब उनमें फ्लावर आएंगे, और उसके बाद सेनेसेंट का पीरियड मतलब जब वो बूढ़े हो जाएंगे, सूख जाएंगे। 2 साल के लिए जिंदा रहने वाले प्लांट्स में भी आप ये क्लियर कट देख सकते हो, पर जो प्लांट्स बहुत लंबा जीते हैं, पेरिएनुअल प्लांट्स है जो कुछ प्लांट्स, उनमें ये पीरियड्स क्लियर कट्स नहीं देखे जा सकते। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन। कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो बिल्कुल ही यूनिक किस्म का फ्लावरिंग पैटर्न शो करते हैं, वो हम समझेंगे। बाम्बू देख लीजिए, जैसे ये प्लांट एकदम यूनिक किस्म का फ्लावरिंग पैटर्न शो करता है, वंस इन लाइफ टाइम। बाम्बू को पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावर आते, दैट मीन्स बाम्बू अपनी पूरी लाइफ में एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, 50 से 100 सालों के वक्त के बीच में, जब उसके बर्थ के बाद 50 to 100 ईयर्स के बीच का वक्त होता है तब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उसमें फ्लावर आने के बाद वो सूख जाता है। हाँ, वो वेजिटेटिव प्रपोगेशन ज़रूर करता है, वो वेजिटेटिव प्रपोगेशन के ज़रिए अपने नंबर्स बढ़ाता है, पर फ्लावर आने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब है कि एक ही बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है पूरी लाइफ में। इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। जब फ्लावर्स आएंगे तब उस फ्लावर से बहुत सारे फ्रूट्स प्रोड्यूस हो गए और फिर वो मर जाएगा। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जिसको नीला कुरंजित के नाम से भी जाना जाता है, फ्लावर्स वंस इन 12 ईयर्स। ये हर 12 साल में एक बार फ्लावर देते, इसका मतलब ये हुआ कि ये हर 12 साल में एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ये फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कितने टाइम के इंटरवल में रिप्रोडक्शन करते हैं। बाम्बू का आपने देखा 50-100 सालों के बीच में एक बार रिप्रोडक्शन ही करता है, उसके बाद वो मर जाता है क्योंकि सेकेंड रिप्रोडक्शन के लिए वो जिंदा ही नहीं बचता। वैसे ही स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, इसके फ्लावर हर 12 साल के इंटरवल पे आते, दैट मीन्स वो हर 12 साल के इंटरवल में एक बार ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। इसके लास्ट फ्लावर 2006 में आए, उसमें 12 साल और मिला लीजिए तो डेफिनेटली 2018 में फ्लावर आए होंगे, और आप 2030 में विजिट कर सकते हैं, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना को देखने जा सकते हैं कि वो कैसा दिखता है। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जब इसमें फ्लावर्स आते हैं। इट्स मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म्ड लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्ट्रेचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। आप ऐसा समझ लो कि हिली एरिया में चद्दर की तरह फैल जाता है और बहुत सारे टूरिस्ट है वो इसको देखने के लिए अट्रैक्ट होते हैं, पर इसके लिए 12 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 के अंदर लास्ट बार इसमें फ्लावर आए थे, तो अब 12 साल का वक्त और गिन लीजिए, सितंबर अक्टूबर 2030 का वक्त है आपके पास अगर आप विजिट करना चाहते हैं केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु को स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना के लिए। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. अगर हम एनिमल के अंदर बचपने की बात करें और मैच्योरेशन की बात करें, हमने प्लांट्स में तो समझा, अब हम एनिमल की बात करते हैं। एनिमल का जो जुवेनाइल फेज होता है, एक चाइल्डहुड फेज होता है, उसमें क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। हम सबको पता है हाइट बढ़ती है, हमारा फेस कट भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। जैसे हम एडल्टहुड में एंटर होते हैं, टीनेज की जो एज है उसमें एंटर होते हैं, तो हमारा बॉडी का वेट इंक्रीज होता है, मसल मास इंक्रीज होने लगता है। बॉयज़ के अंदर देखिए जो मुस्टेज है और
बियर्ड है वो आने लगती है, हमारा वॉइस है वो भारी होने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो बचपन में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते थे, अब स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो गया, फीमेल के अंदर ओवम प्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गए, कुछ हॉर्मोन्स जो नहीं बनते थे वो फॉर्म हो गए, ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। और इवन हमारे बिहेवियर में भी अल्टरेशन आता है। चाइल्डहुड फेज में हमें सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती, पर जैसे ही हम टीनेज की एज में आते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, और जैसे ही उनमें गैमेट्स प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो हॉर्मोन्स के जरिए ही नेचर ने ऐसे सिस्टम रखी है कि ऑटोमेटिकली सेक्सुअल डिज़ायर फॉर्म होने लगेगी, तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर फॉर्म होता है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है इनका वक्त हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होता है, एक समान सबके लिए नहीं होता। हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइम पे मैच्योर होता है और रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी भी उनको अलग अलग वक्त के लिए नेचर ने दे रखी है। पर यहाँ कुछ हम यूनिक एक्सेप्शनल केसेस भी देख रहे हैं। बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। वैसे तो कभी भी जो ये हैंस होती है वो पूरे साल अंडे नहीं देती, वो एग्स नहीं देती। हम जानते हैं कि एग्स के अंदर उनके बेबीज होते हैं जो एम्ब्रियो फॉर्म में होते हैं, कुछ एक टाइम पीरियड के बाद वो एग हैच होते हैं और उनसे उनके बेबी बाहर आते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी बर्ड है वो हर रोज़ एग नहीं देगा, उनका एक टाइम पीरियड होगा तभी वो अंडे रखेगा, तभी वो रिप्रोडक्शन करेगा और उससे बेबी फॉर्म होगे। पर पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर हमने ऐसी हाइब्रिड हैंस फॉर्म कर रखी है जिनसे हर रोज़ अंडे निकलते हैं, वो हर रोज़ एक एक ले करती है और वो पूरे साल अंडे देती रहेगी। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर वक्त में ही वो रिप्रोडक्शन करेगी, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उसका मेल के साथ और फिर वो अंडे रखेगी। और एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज़ अ कॉमर्शियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। हमने कॉमर्शियली इसको ऐसा हाइब्रिडाइज किया है कि ये रोज़ एक अंडा रखेगी, एक एग रखेगी, पर वो एग के अंदर इसका एम्ब्रियो नहीं होगा क्योंकि ये एग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बिल्कुल ही फॉर्म नहीं हुआ, मेल के साथ इसका कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पर्म ओवम फ्यूज ही नहीं हुए हैं, तो उस एग के अंदर एम्ब्रियो बिल्कुल ही नहीं होगा। कुछ आप रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को एनिमल प्रोडक्ट के साथ, जैसे काऊ देख लीजिए, बफेलो देख लीजिए, शीप गोट्स देख लीजिए, कैटल्स कहते हैं जिनको हम, कैटल्स जो भी खाना पूरे दिन में खाती है, ग्रास खाती है, जो कुछ भी खाएगी उसके न्यूट्रिएंट्स को वो मिल्क में कन्वर्ट करके फिर हमें मिल्किंग करने के वक्त हमें जो मिल्क मिलेगा वो हम खाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर वो मिल्क है वो कैसे एनिमल प्रोडक्ट है, उस तरीके से ये एग के अंदर पूरे दिन में जो हैन ने खा रखा होगा वो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने इकट्ठे करके मिल्क प्रोड्यूस किया होगा। उस एग से बिल्कुल ही बेबी फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो मेल के साथ इंटरकोर्स करने की वजह से प्रोड्यूस नहीं हुआ। इसी रीज़न से कुछ लोग एग को नॉन वेजिटेरियन फूड में इंक्लूड नहीं कर रहे, जो एग आज के तौर पे खाए जाते, आज के समय में खाए जाते, इनको हम एनिमल प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाल रहे फिलहाल। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मेमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो मेमल्स प्लेसेंटा फॉर्म करती है जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, और प्लेसेंटा के जरिए वो अपने बेबी को नरिश करती है। वो ओवरीज के अंदर एक साइकिल फॉर्म करती है जिनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। एसेसरी डक्ट्स जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी बॉडी में हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं और उससे फॉर्म होता है ओवम। नॉन प्राइमेट्स जो है जैसे कि काउ, शीप्स, रेट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स, इनके अंदर जो ओवम प्रोडक्शन की एक साइकिल है उसको यूस्ट्रल साइकिल कहते हैं। साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड यूस्ट्रल साइकिल, क्योंकि ये लोग नॉन प्राइमेट्स हैं तो उनमें ओवम प्रोडक्शन की साइकिल को हमने यूस्ट्रल साइकिल नाम दिया, जबकि प्राइमेट्स के अंदर मंकी, एप्स, ह्यूमंस, इनमें जो ओवम प्रोडक्शन की साइकिल है उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये वर्ड आप बिल्कुल ही जानते होंगे, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं और पूरा डिटेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। सो इन प्राइमेट्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओवम और एग बनाने की जो साइक्लिक प्रोसीजर है वो प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानी जाएगी,
और नॉन प्राइमेट्स में ये यूस्ट्रस साइकिल के नाम से जानी जाएगी। अगर हम मैमल्स में रिप्रोडक्टिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कुछ मैमल्स ऐसे हैं, खास करके जो नेचुरल और वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, वो अपनी फेवरेबल सीजन में ही रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सीजन भी तो हमारे सपोर्ट में होनी चाहिए। हम ऐसे वेदर में रिप्रोडक्शन करेंगे और जब बेबी डिलीवर होगे तब वेदर बेबीज के सपोर्ट में होना चाहिए, वरना बेबीज को खतरा होगा। हम ऐसे सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन करना पसंद करेंगे कि जब बेबी की डिलीवरी हो तब ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बच जाए। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। मेनी मैमल्स, स्पेशली दोस लिविंग इन नेचुरल एंड वाइल्ड कंडीशंस, एग्जिबिट सच साइकल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हैंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। ह्यूमंस की बात करें तो उनके लिए कोई वक्त नहीं है कि इस पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो कभी भी रिप्रोडक्शन करते हैं और बेबी डिलीवर कर सकते हैं। तो जो हाईली डोमिनेटिंग है, जो सुपीरियर है, जो स्ट्रेंथफुल है, वो ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट दी लाइफ कोई भी सीजन के अंदर रिप्रोडक्शन करते हैं उनके रिप्रोडक्टिव फेज में। उनके लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर वेदर या सीजन का वक्त नहीं होता। अब देखिए, फ्रॉग मोस्टली तभी रिप्रोडक्शन करते हैं जब मॉनसून का पीरियड हो, क्योंकि वाटर रिक्वायर है उनके गैमेट्स के फ्यूजन के लिए। तो वही सीजन मोस्टली सीजनल ब्रीडर पसंद करते हैं जो उनके लिए रिप्रोडक्शन के लिए और डिलीवरी के बाद उनके बेबीज के लिए ज़्यादा सपोर्टिव हो।